हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। और अभी जो है टाइम हो रहा है 9:50। और पहली बार जो है मैं सुबह व्लॉग चालू कर रहा हूँ, तो कभी रात को 8 बजे चालू करता हूँ, कभी दोपहर को 2 बजे। और आज पहली बार मैं एकदम सही टाइम पे व्लॉग चालू कर रहा हूँ। और अभी अभी जो है मैं सो के उठा हूँ, मतलब आधा घंटा हो गया, और मैं ब्रश कर चुका हूँ, मूवी धो चुका हूँ। पर शायद आपको देखने से लग रहा हो कि मैं अभी अभी सो के उठा हूँ, पर पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है, बल्कि मैं फेस वॉश से मुँह धो चुका हूँ। तो अभी टाइम हो रहा है 11:30, और मैं अभी जो है अपना ये वाला फ़ोन ठीक कराने जा रहा हूँ। ये है सैमसंग गलेक्सी M30s, और इसमें क्या हो गया पता नहीं, 5-6 दिन से नहीं ये फ़ोन अपने आप बंद होता है, फिर अपने आप चालू होता है, हर 2-3 मिनट में ऐसा होता रहता है। और जब भी इसे चलाते रहो तो अपने आप इसकी स्क्रीन फ्रीज हो जाती है, और स्क्रीन ऐसी फ्रीज होती है कि फिर अपने आप फिर से ये फ़ोन बंद होता है और फिर चालू होता है। और अभी अभी आप देखोगे कि ये बंद हुआ था और अब चालू ही नहीं हो पा रहा, अभी ये अपने बूट में ही अटक गया है। तो बस इसको ठीक कराते हैं। वैसे मैं सैमसंग के सर्विस सेंटर भी गया था कल, तो उन्होंने मुझे बोला कि इसका शायद सॉफ्टवेयर में कुछ दिक्कत है, सॉफ्टवेयर रीइंस्टॉल करके देखते हैं, प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी शायद। तो उन्होंने ये चीज़ करके देखा, पर ये चीज़ भी काम नहीं कर रही। कल ही इसका सॉफ्टवेयर रीइंस्टॉल करके मैं लाया था, पर ये चीज़ भी काम नहीं कर रही है। उसके 240 रुपये भी लग गए, वो चीज़ तो अलग। और फिर उन्होंने बोला कि अगर ये सॉफ्टवेयर वाली चीज़ काम नहीं करेगी ना, तो इसका फिर मदरबोर्ड बदलना पड़ेगा, और मदरबोर्ड इसका आएगा 8000 का। तो 8000 का इसका मदरबोर्ड बदलवाने से अच्छा तो मैं एक नया फ़ोन ही ले लूँगा। तो अभी मैं खैर जयंती जा रहा हूँ, जो आप में से जो लोग जबलपुर में रहते होंगे वो जानते होंगे जयंती के बारे में, कि वहाँ पर बहुत बड़ा एक मोबाइल का मार्केट है, और वहाँ पर जो है शायद मेरा सस्ते में काम हो जाए कुछ जुगाड़ से या कुछ भी। वहाँ पर जाके मैं ये चीज़ अभी ट्राई करता हूँ कि शायद इससे मेरा सस्ते में कुछ काम हो जाए। तो प्लान में थोड़ा चेंज है, अभी हम लोग यहाँ पर आए हैं टाटा के शोरूम में, और क्यों आए हैं वो अभी आपको थोड़ी देर में बताता हूँ। तो ये है बंधु भाई, हम लोग अभी आए हैं टाटा के शोरूम क्योंकि अखिल भाई को लेनी है नेक्सॉन। तो आपने मेरा पहला व्लॉग देखा, आपको कैसा लगा था? बहुत अच्छा लगा, मज़ा आ गया। और कुछ सजेशन? अरे सजेशन क्या है भाई, बनाएगा अच्छा ही बनाएगा। चलो फिर चलते हैं अभी। चलो तो अभी हम लोग आए हैं यहाँ पर ह्युंडई के शोरूम, क्योंकि टाटा में नेक्सॉन थोड़ा कोई अच्छी नहीं लग रही, तो अभी ह्युंडई आए हैं। तो यहाँ पे अभी हम लोग ये वाली वेन्यू देखने आए थे, और यहाँ पे अभी हम लोग सर्विस सेंटर में ह्युंडई के, देखो आप कितनी सारी गाड़ियाँ यहाँ पर सर्विस हो रही है, वो देखो वहाँ पर ऊपर भी कुछ गाड़ियाँ सर्विस हो रही है वो देखो, तो बहुत ही सारी गाड़ियाँ यहाँ पर खड़ी है। नहीं बिल्कुल नहीं लग रहे भाई, इतना है बहुत है भाई, तो भी तो कुछ चढ़ाए क्रूज भी है, मस्त लगता है सनरूफ। ऑटोमेटिक एसी भी है, ऑटोमेटिक है भाई, फील ज़्यादा अच्छी जगह पीछे भी पैर रखने के लिए। हाँ भाई एसी वेंट है, एक चार्जिंग सॉकेट भी है, लेड आ जाएगी। और उन भाई कैसी लग रही फिर आपको? बहुत अच्छी गाड़ी लग रही है भाई, पर मैं फिर लूँगा क्रेटा। क्रेटा की हैरियर? हैरियर ये सही है, सब एंटी पिंच भी है ना, इसको तो ठीक है वो। यहाँ इसका कंट्रोल अच्छा, ये ऑटोमेटिक नहीं है ना, ब्लाइंड वाला? नहीं ये ब्लाइंड तो ऐसे होगा, ब्लाइंड भाई FM. चलो भाई सनरूफ से बाहर निकल के देखते हैं। तो ये देखो भाई अभी हम लोग सनरूफ से बाहर आ चुके हैं। सनरूफ होने से मज़ा तो आता है यार, लेकिन देखो एक चीज़ ये वाले सनरूफ की अच्छी होती है, छोटा वाला सनरूफ होता है, इससे बाहर निकल बहुत मुश्किल होता है, ऐसे कि ये दोनों जो सीट है ना नीचे की, इनको मुझे बहुत आगे करना पड़ा, तब मैं जाके इससे बाहर निकलवा रहा हूँ।
तो पैनोरामिक सनरूफ ही ज़्यादा अच्छा होता है, ये छोटा सनरूफ उतना ज़्यादा अच्छा नहीं होता है, मतलब ठीक है फिर भी मज़ा ही आता है सनरूफ वाली कार में यार। अंदर केबिन बहुत स्पेसी लगता है। ये आजकल बहुत सारी चीज़ रहती है सब शोरूम में कि आपको कोई भी कार चाहिए हो तो यहाँ से बस आप कार सेलेक्ट करो और पूरे वेरिएंट एक्सेसरीज फीचर्स सब कुछ आपको इस स्क्रीन में देखने को मिल जाएंगे। इवन आप एक्सेसरीज भी इस पूरी स्क्रीन में ही देख सकते हो, काफ़ी अच्छी चीज़ है। अभी जो है शाम के 5:30 बजे हैं और अभी जो है ये मेरा नॉर्मल साइकिलिंग करने का टाइम होता है और अभी मैं साइकिलिंग ही जा रहा हूँ। और ये देखो ये मेरी रेडी है साइकिल, तो अभी चलो जल्दी से चलते हैं। हाँ भाई नाइस इंट्रो भाई। ये देखो भाई, तो ये लड़का मुझे कब से बोल रहा है मुझे अपने व्लॉग में लेना, देख मैं तेरे को ले ही लिया। अब खुश ना? अरे मेरे व्लॉग में आ, तू ही तो बोल रहा है भाई प्लीज व्लॉग में ले लेना यार, मेरे को भी फेमस होना है थोड़ा, फिर मैं भी आपके बायो में डालूंगा DM फॉर पेड कोलैबोरेशन। डालेगा ना? डालेगा ना? तो बस हम लोग मंदिर के पास ही पहुंच गए हैं। वो देखो वो पहाड़ पे आपको दिख रहा होगा मंदिर, वैसे नहीं दिख रहा होगा बहुत दूर है, तो वो मंदिर वैसे बहुत ऊंचाई पे है। थक गए? अभी बहुत जाना है भाई। कितना ज़्यादा है और अभी? अभी 5 किलोमीटर और है। अभी हम लोग 13 किलोमीटर साइकिल चला के, नहीं 15 किलोमीटर साइकिलिंग करते हुए यहाँ पे आ चुके हैं और अभी मंदिर के ऊपर भी जाना है ना, जाना है ना। फाइनली जो है हम लोग मंदिर के नीचे तक तो आ गए हैं। अभी आप पीछे देखो तो ये रास्ता पूरा ऊपर जाता है बहुत ऊपर और मंदिर वहाँ पे है। तो अभी तो हम लोग बहुत थक गए हैं, 20 किलोमीटर साइकिल चला के आए हैं। तो अभी प्लान तो यही बन रहा है कि ऊपर मंदिर तक नहीं जाएंगे, बस थोड़ा सा चढ़ के आ जाएंगे। ये दोनों तो आप मेरे पीछे देखो, ये गाड़ी के पीछे दोनों दिख रहे हैं, ये दोनों मेरे दोस्त तो आधे में चढ़ गए हैं। तो अभी देखते हैं कि ऊपर जाएंगे तो कंटेंट है और नीचे जाएंगे तो आराम है। तो अब देखते हैं मुझे कंटेंट या आराम दोनों में से किसी एक को चूज करना होगा, देखते हैं मैं किसको चूज करता हूँ। ये दोनों तो थक के पैरों पे आ चुके हैं लेकिन मैं ऊपर तक चढ़ाऊंगा वहाँ तक, और वहाँ पे मंदिर है। 2 seconds later. तो मैंने बोला था कि मैं पूरा ऊपर तक चढ़ाऊंगा लेकिन अब मैं अभी पैरों पर आ चुका हूँ इन दोनों की तरह। तो आगे का रास्ता पैदल ही जाना पड़ेगा, ऐसे साइकिल पर तो जा नहीं सकते। तो यहाँ से व्यू देखो यार कितना प्यारा आता है, यहाँ से पूरा शहर दिखता है। और वो देखो वो रही मेन रोड, वहीं से हम लोग आए थे। तो हम लोग पूरा ऊपर नहीं जा रहे हैं, यहाँ से हमारा प्लान बदल चुका है, बहुत ही ऊंचा है, बहुत थक गए हम लोग, तो अब फिर वापस घर जा रहे हैं नीचे। तो चलो मिलते हैं अब नीचे। अभी हो रहा है 7:45 और अभी मैं घर आया हूँ और 40 किलोमीटर साइकिलिंग करने के बाद बहुत भूख लग गई थी, तो मोमोज खाते हुए आया और घर के लिए पैक भी कराते हुए लाया हूँ।
तो यहाँ पर अभी मैंने ये दो शेक मंगाए हैं, एक ये ओरियो शेक है और एक डार्क चॉकलेट शेक है। तो मुझे ब्रूक में बहुत अच्छा ऑफर मिल रहा था कि कोई भी शेक लो 99 रुपीज़ का, तो इसलिए मैंने ये दोनों शेक मंगाए हैं। वैसे ये शेक एक शेक 240 रुपीज़ का, तो अभी 200 रुपीज़ मेरे दोनों शेक आ गए। तो ऐसा कुछ खास मन नहीं था मेरा शेक पीने का, वो तो बस एक क्यूरियोसिटी थी मन में कि मैं भी तो देखूं भाई ये 240 रुपए के शेक में आकर ऐसा होता है क्या है जो ये 240 का होता है, तो इसलिए बस मैंने ये दोनों शेक मंगाए हैं। तो चलो टेस्ट करके देखते हैं इनको अब। सो इस व्लॉग को करते हैं अब यहीं पर एंड। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो, और कुछ सजेशन हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ ताकि मैं अपने वीडियोज़ को आगे और इम्प्रूव कर पाऊँ। तो फिर मिलता हूँ आपसे ऐसे किसी ब्लॉग में, तब तक के लिए खुश रहो और मेरे वीडियोज़ देखते रहो।